वेलकम टू तिवारी क्लासेज सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपना परिवार तिवारी क्लासेज में तो सारे के सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे ये जो क्लासेज है ए बी बी एम यू के जी एम यू एम्स बी एस सी नर्सिंग सी जी पी एन एस टी आर यू एच एस महाराष्ट्र बी सी सी जे सी ई सी पी एन एस टी और जो हमारा झारखंड है सभी सभी राज्यों के लिए बिल्कुल उपयोगी है और आज हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के जितने सारे एम सी क्यू हैं एक साथ तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाए और बता दे वह ऑडियो वीडियो क्लियर है ओके।, ओके 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 बिल्कुल जो बच्चे थ्योरी पढ़े हैं बिल्कुल इसका आंसर देंगे एकदम चलिए सर क्लियर आइए तो क्वेश्चन आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे है ना जैसे रिवीजन किए थे मैंने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए थे तो यहां पर चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन बताइए एकदम स्टार्टिंग से क्वेश्चन बताना है चलिए यहां पर देखो बुआ क्वेश्चन फर्स्ट आंसर जितने फास्ट दीजिएगा उतने फास्ट हम चलेंगे बच्चे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका हिंदी भी बताते चलेंगे घबराने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एज देखिए यहाँ पे जो बताना है पूछ रहा है नेचुरल डेथ ऐसे ही आपके एग्जाम में रहेगा ए बी वी एम यू एंड के जी एम यू क्या होता है के जी एम यू खास करके आपका क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा इंग्लिश में हिंदी नहीं रहेगा ठीक है तो इसीलिए जो भी बच्चे इंग्लिश में नोट्स बनाइएगा इंग्लिश में क्लास कीजिएगा हिंदी में समझिएगा ठीक है लेकिन इंग्लिश में ही अच्छा रहेगा तो इसका आंसर जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम बिल्कुल तो मैंने बताया है आपका एक क्या हो गया कहिएगा सर ए हमारा बर्थ हो गया यानी इसको जन्म कहिएगा ये हमारे क्या हो गया कहिएगा सर ए हमारे डेथ हो गया मृत्यु हो गया इसके बीच के समय को इसके बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं कही सर लाइफ स्पेन जब भी आप बो हमारे जो बुक पढ़िएगा एनसीआर टी का उसमें फर्स्ट ही लाइन में दिया हुआ है लाइफ स्पेन के बारे में ये चीज सारे बच्चे याद रखिएगा और जब भी आप एम टी का भी बुक लीजिएगा तो वहां भी इसके बारे में दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो उसका एज नो ए भी नहीं होगा लाइफ साइकिल नहीं होगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम बहुत बढ़िया है पूरे पूरे हम आज रिविजन करने वाले हैं पूरे रिविजन करने वाले हैं ठीक है बिल्कुल करेक्ट देखिए इसका हिंदी हम सबका हिंदी बताते चलेंगे देखिए किस जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु मृत्यु यानी नेचुरल डेथ ठीक है ना तक के जो टाइम अवधि होता है उसको क्या कहा जाता है लाइफ स्पेन जीवन काल कहा जाता है सेकंड नंबर क्वेश्चन चलिए फास्ट एकदम कहिएगा सर इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िए ठीक है और बिल्कुल मैंने बता रखा है सभी बच्चों को देखिए विभिन्न व्यक्ति के बीच अनुवांशिक और रूपात्मक जो हमारे समानताएं होते हैं ठीक है इसके वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है इसका आंसर दीजिएगा इसका आंसर सारे बच्चे देखिएगा देखिए देखिए पे मैंने बता हूं। यहां पे बता देता वो का मतलब होता है संतति यानी संतान ओके क्लोन का मतलब होता है सेम टू कॉपी गेमिट युग्मक सेल सेल का मतलब क्या होता है बोल कोशिका तो मैंने बता रखा है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे इस क्या हो जाएगा आपका तब मान लीजिए मैंने बताया है जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ठीक है और एक होता है बुआ ए सेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल ओके तो ध्यान दीजिएगा मेरे एक एक बात पे यहाँ पे क्या होगा कहिएगा सर यहाँ पे वन पेरेंट होता है क्या हो जाएगा सिंगल पेरेंट यहाँ पे क्या होता है दो पेरेंट होता है होता है कहिएगा सर बिल्कुल और इसमें क्या होता है इसमें जो हो जाएगा इसमें जो हमारे जो बुआ न्यू जो आपका ऑस्परिंग हो जाए क्या हो जाएगा न्यू ऑफ हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा न्यू संतति वो अपने माता पिता से भिन्न होगा क्यों बताइए क्योंकि यहाँ पे एक वाई पता है ना 2n बिल्कुल जानते होंगे और यहाँ पे सिंगल पेरेंट है तो जैसे वो इनका पेरेंट होगा चाहे आ, जो आपका मेल चाहे फीमेल हो सेम टू कॉपी ठीक है जैसे मान लीजिए एकदम इसी को क्या कहा जाता है कहिएगा सर क्लोन कहा जाता है तो जो भी बच्चे हमारे इसका आंसर क्या दे रहे हैं बताइए सारे बच्चे इसका आंसर क्या दिए हैं कही सर सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दिए हैं आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या कहा गया इसका कहिएगा सर ये तो हमारा ऑफ स्प्रिंग होगा नहीं क्या हो जाएगा बी क्लोन इज द राइट आंसर मैंने बताया है ना कहिएगा सर बिल्कुल यहाँ पे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन बताए हुए हैं बिल्कुल थ्योरी जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा यहाँ पे बताना है यहाँ पे बंगाल का काल किसके ना किसको कहते हैं बताइए यहाँ पे किसको कहा जाता है बुआ बंगाल का काल कौन बताएगा इसका आंसर बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पे बताना है आपका ठीक है ना बंगाल का आतंक या काल बिल्कुल एन में दिया हुआ है इसका आंसर कौन बताएगा मैंने बताया था सभी बच्चों को बुआ जब आप जाइएगा ना गाँव में पोखरा होता है होता ना चाहे आप कोई आपका नदी होगा वहाँ पे एक होता है जल कुंभी क्या होता है कहिएगा सर एक जल कुंभी होता है ठीक है उसी को कहा जाता है आपका बंगाल का आतंक कहिए काल कहिए जो कहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर तो जो भी बच्चे हमारा इसका सी आंसर दे होंगे सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे तो कहिएगा सर इसका रिविजन करते रहिए एग्जाम तक एग्जाम तक रिविजन करते रहिए बुआ ठीक है बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चार नंबर दे रहा है इसको क्या कहा था प्रकंद क्या कहा जाएगा प्रकंद तो बताइए प्रकंद कहां से उत्पन्न होता है हमारे जड़ से हमारे लिब से कहिएगा सर बॉडी से कहिएगा सर नोट से इसका आंसर दीजिए बताइए किससे होता है प्रकंद कहाँ से उत्पन्न होता है बताइए ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी भी, भी के जीव में याद रखिएगा सारे बच्चे बड़ा बड़ा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं वो सब कभी नहीं आता आपके एग्जाम में समझ गए ना बड़ा बड़ा थ्योरी आपके एग्जाम में एवे नहीं करता है याद रखिएगा चलिए तो इसका आंसर जो भी बच्चे दिए हैं कहाँ से होता है बताइए तो इसका आंसर जो भी बच्चे दे रहे हैं ना डी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर सी आंसर दे रहे हैं अरे उसका तो सी आंसर है इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रकंद कहाँ से उत्पन्न होता है बताइए रूट्स चलिए इस क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चे आप लोग ए डी लगा रहे हैं ना फिर गलती कर रहे हैं बुआ इसका आंसर सभी बच्चे दीजिए क्या हो जाएगा कहां से होता है नोट से सभी बच्चे का गलत हो जाएगा बुआ डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इसको आप देख लीजिएगा थ्योरी में क्यों गलत हुआ आपका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रायोफ़िलम बताइए कौन कौन पढ़ा है बुआ ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा जो भी बच्चे थ्योरी पढ़े होंगे बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा और सबसे अच्छी बात है बुआ कि आपके यूट्यूब पे आ रहा है दो तारीख से पूरे थ्योरी पीपीटी पे समझ गए हैं पूरे शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू हर चीज के साथ जो भी बच्चे नए हैं चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चलिए इसका आंसर क्या दे रहा है इसका देखिए इसका आंसर क्या कर रहा है एक कह रहा है यहाँ पे ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर फास्ट फास्ट एक फास्ट एकदम दीजिए सारे बच्चे। तो मैंने बताया है बुआ आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारे कुछ आपके क्या होते हैं ऑर्गेनिजम होते हैं वो अब क्या होता है कुछ जो रिप्रोडक्शन बड़ के बड़ के द्वारा करते हैं इसको क्या कहता है बड़, बड़ कली याद है और जो हमारे खास करके वो ब्रायोफ़िलम है ठीक है ना क्या हो जाएगा आपका तो कहिएगा सर ये हमारा करता है किससे पत्ती से करता है आपको याद आ जाएगा सारे बच्चे को दो मिनट में याद आने देखिए कैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरा पत्ती हो गया ठीक है ये क्या करेगा ऐसे करके ये जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना इससे क्या करेगा एक जो है नया अपना रिप्रोडक्शन कर लेगा इस पत्ती से ये क्या हब हुआ कहिएगा सर ये हमारे पत्ती है बिल्कुल हाँ ले बिल्कुल क्या हो जाएगा पत्ती से इसका याद नहीं आ रहा सभी बच्चों को बताइए तो क्या हो जाएगा कहिएगा सर आप जाके बच्चे आज थ्योरी में जो आपका एप्लीकेशन में पीपीटी है उसमें चेक कीजिएगा ठीक है इसका आंसर एकदम करेक्ट ए हो जाएगा ठीक है चलिए आप लोग रिविजन नहीं करते हैं क्या बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए क्वेश्चन थोड़ा सा छोट करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है सिक्स नंबर ट इज द पीरियड ऑफ द ग्रोथ नोन एज प्लांट बताओ क्या होगा जुबिनाइल फेज रिप्रोडक्शन फेज डेटी फेज आप लोग का बुआ एकदम समझिए ना कि पूरे रिकॉल हो रहे हैं जो भी क्लास हुआ है बिल्कुल इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे क्या हो जाएगा मैंने बताया है बुआ व्हाट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ नोन एज द प्लांट बताओ प्लांट मींस पौधा ग्रोथ मींस वृद्धि करना बिल्कुल और नोन मींस जाना जाता है इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा तो मैंने बताया था प्लांट में क्या मारियेगा प्ला, प्लांट में सारे बच्चे क्या मारियेगा बताए थे प्लांट जब भी दिखाई दे कहाँ होगा वेजाटेटिव प्रोपागेशन कायिक प्रवर्धन कहा जाता है छाप लो बुआ हमेशा बताए थे देखिए हम आपको कितना बार बता चुके हैं बच्चे कि जो प्लांट्स में क्या होता है कहिएगा सर वेजाटेटिव प्रोपागेशन होता है क्या होता है बताओ कहिएगा सर ये जो हमारा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कायिक प्रवर्धन कहा जाता है याद है चलिए बिल्कुल तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बार बार बताना होगा एक चीज को बताइए सारे बच्चे बार बार एक चीज को बताना होगा कहिएगा सर नहीं डी हो जाएगा ठीक है ना क्या हो जाएगा डी गलत है थ्योरी पढ़िए बुआ थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़िएगा नहीं बनेगा समझ रहे हैं ना बिल्कुल यहां पर देखिए यहां पे आपको एक चैप्टर आपको जैसे एलेवेंथ ट्वेल्थ का एक चैप्टर पढ़िएगा ना तो बायोलॉजी में बहु जब आप बी एस नर्सिंग के एग्ज़ाम देने जाइए आप चाहे कहीं के दीजिए उत्तर प्रदेश झारखंड कहिएगा एम्स ए बी बी एम यू के जी एम यू बिहार राजस्थान छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तो आपको एक एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक चैप्टर से तो समझ लीजिए सारे बच्चे कि बउवा आप लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा समझ गए ना बिल्कुल तो इसीलिए आप लोगों के लिए थ्योरी लेके आ रहे हैं दो तारीख से आइए हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा चलिए यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए सारे बच्चे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बाइनरी फ्यूजन बताओ बाइनरी फ्यूजन इसका छाप दो आंसर क्या होगा लाइक like करो सभी बच्चे क्या हो जाएगा इसका बाइनरी फ्यूजन आंख बंद करके बुआ बताओ क्या होगा बाइनरी फ्यूजन आंख बंद करके बताना है मैंने बताया है ये फोटो किसका है बताओ कॉमेंट में छाप दो अमीबा क्या हो जाएगा अमीबा हो जाएगा जब बउआ ये क्या करता है जब इस जो आपका दबेगा हल्का तो इसका कार ऐसे हो जाएगा और ये जो इसका न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा दबेगा तो, तो, तो दो भाग में टूटेगा दिमाग में छाप लो क्या है अमीबा है ओके जब न्यूक्लियस दबेगा दो भाग में टूटेगा फिर आगे चल के क्या करेगा कहिएगा सर दो टाइप का आपका यहाँ पे अमीबा बना लेगा क्या बना लेगा बताओ क्या बना लेगा बो अमीबा न्यूक्लियस ही क्या करता है न्यूक्लियस आधार टूट जाएगा तो देखिए चित्र नंबर ए चित्र नंबर बी चित्र नंबर ये दोनों चित्र नंबर आपका हो जाएगा सी ये दोनों को बता रहे हैं अब सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं क्या हो जाएगा बच्चे बिल्कुल देखो यहाँ पे ध्यान से हम क्या बता रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट एक आंसर बता रहे हैं सारे बच्चे इसको छाप लो दिमाग में कभी नहीं भूलोगे सब देखो तभी क्या का अमीबा है इसका न्यूक्लियस है दबेगा दो भाग में टूटेगा आगे जाके दो नए बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कहिएगा सर ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन है अमीबा का क्या हो जाएगा नॉर्मल रिप्रोडक्शन है तो क्या करेगा जो हमारा अमीबा है क्या करता है बाइनरी फ्यूजन करेगा ठीक है इसको एक लाख पर बताएं वो आप लोग याद रखिएगा जब जब एबुआ जो हमारे अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो अमीबा क्या करेगा कु, कु, छाप दो कमेंट में कहिएगा सर ये क्या करेगा आपका मल्टीपल फ्यूजन करेगा क्या करेगा मल्टीपल फ्यूजन करेगा बताओ याद है कि नहीं याद है सारे बच्चे को बिल्कुल ठीक है देखो छाप लो जो अमीबा होता है ना अमीबा जो है नॉर्मल में हमेशा क्या करेगा कहिएगा बाइंडरी फ्यूजन द्विखंडन करता है बुआ द्विखंडन याद रखो उसके बाद कहना सर जो हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा मल्टीपल मल्टीपल फ्यूजन करेगा ठीक है याद रखना और क्या करता है यहाँ पर देखिए ध्यान से चित्र को समझ गए देखिए क्या करेगा जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया तो क्या करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में तीन जो परत से अपने आप को घेर लेगा ठीक है घेर लेगा हार्ड हार्ड जो हार्ड जो लेयर होते हार्ड लेयर से आपको अपने आप को घेर लेगा और क्या करेगा कहिएगा सर मल्टीपल फ्यूजन करता है बहुविखंडन बिल्कुल उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को याद हो गया होगा यहाँ पे आओ सारे बच्चे यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज हाइड्रा रिप्रोडक्स सारे रिवीजन करो सारे बच्चे बताओ सब हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है बताइए बताइए क्या हो जाएगा जू एस्पोर छाप दीजिए सारे बच्चे बिल्कुल सारे बच्चे हैं चलिए मनीषा साधना उसके बाद क्या है खान सर भी आ चुके हैं बहुत बढ़िया बात है बुआ रूबी पटेल प्राची सिंह रूबी पटेल बहुत रूपाली प्रजापति नवदय विद्यालय एजुकेशन वाला दिलसाद अली आलोक बिल्कुल प्रिंस आशु सविता संदीप अंजलि साधना सारे बच्चे हैं सपना मेडिकल स्टूडेंट रोशनी प्रजापति बिल्कुल सारे बच्चे आ चुके हैं इसका क्वेश्चन बताओ इसका क्वेश्चन बताओ, बताओ। हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा क्या करेगा एकदम बहुत बढ़िया क्या करता है हाइड्रा रिप्रोडक्शन तो हाइड्रा रिप्रोडक्शन वो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग बी हो जाएगा ना इसका आंसर क्या हो जाएगा या ये हो जाएगा बताओ सब फास्ट हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है किसी से हाइड्रा बाई बडिंग बहुत बढ़िया बी नंबर हो जाएगा बताए थे हाइड्रा क्या करता है बडिंग के द्वारा बडिंग के द्वारा देखिए इसको समझिए पूरे पूरे चित्र के साथ मान लीजिए बुआ है मेरा हाइड्रा है एक कल होके यहाँ पे अगर बना लेगा चाहे यहाँ पे बना लेगा इसी को बड कहा जाता है बड दिमाग में छाप लो क्या हो जाएगा यही आपका बर्ड हो जाएगा बर्ड ओके कहिएगा सब बिल्कुल ये जो अपना रिप्रोडक्शन करेगा बर्ड समझ रहे हैं ना कली के द्वारा इसी को कहा जाता है बर्ड अब लास्ट में आईएनजी लगा दीजिए बर्डिंग इसको कहा जाता है मुकुलन के द्वारा मुकुलन के द्वारा करता है हाइड्रा क्या करता है बुआ मुकुलन के द्वारा करता है आइए यहाँ पे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनिज्म देखिए क्वेश्चन यहां पे बताना है आपको सारे के सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल एकदम सही है चलिए नंबर जो बताना है क्वेश्चन जो है बताइए बताइए क्या हो जाएगा इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो जीव है ठीक है कौन सा बुआ जीव है इन साइक्लेशन घटना से गुजरता है कहिएगा सर फेनोमेना का मतलब होता है बुआ कोई घटना जैसे होता है ना नेचुरल फेनोमेना यानी प्राकृतिक घटना जैसे में क्या होता है जैसे बारिश बरसना ओके जैसे वो बिजली कड़कना सब क्या है एक प्रकार का घटना है जो फिजिक्स में देखने के लिए मिलता है तो इसका आंसर क्या आप लोग छापे हैं सारे बच्चे बता दीजिए इसका आंसर क्या बता है सारे बच्चे किस में देखने के लिए मिलता है कहिएगा सर ये हमारे अमीबा में देखने के लिए मिलता है किस में कहिएगा सर ये जो है हमारे अमीबा में देखने के लिए मिलता है उम्मीद करते हैं बुआ बी इज द करेक्ट आंसर आइए इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सभी बच्चे का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बउवा ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे याद रखिएगा इंग्लिश में ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ओके उत्तर प्रदेश चलिए बताइए इसको इसको बताइए सारे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा एक रनर रनर का एक है ऑफ ऑफ द इज एन बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर छापिए इस थोड़ा सा वो आपको हार्ट लगेगा ना ठीक है बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा जो भी बच्चे ए दे रहे हैं ना ए इज द करेक्ट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वाट इज द बर्डिंग ऑल्सो कॉल्ड इन ईस्ट बडी यानी मुकुलन ठीक है ईस्ट आपको पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट में बर्डिंग को क्या कहा जाता है ईस्ट जो होता है ना ये ईस्ट ठीक है ईस्ट में जो मुकुलन होता है बर्डिंग को क्या कहा जाता है क्वेश्चन छाप दीजिए क्या कहा जाता है इसका आंसर छापो सारे बच्चे बहुत बढ़िया क्या कहा जाता है तो जो भी बच्चे हमारे इसका आंसर दे चुके हैं क्या आंसर दिए हैं क्या कहिएगा है? कहिएगा सर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फास्ट मारिए क्या हो जाएगा बताओ सब फास्ट इसका आंसर जो भी बच्चे हमारे दिए हैं क्या दिए हैं कहिएगा है, सर है, सी सी दिए हैं ना क्या हो जाएगा बुआ सारे बच्चे इसका आंसर दिए होंगे बी बी दिए हैं विजाटेटिव प्रोपेशन अरे प्लांट के बारे में पूछ रहा है ध्यान से देखो ईस्ट ईस्ट में ईस्ट में कहा जा रहा है ईस्ट ईस्ट यहाँ दे रहा है ठीक है कोई प्लांट के बारे में बात नहीं की जा रही है चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा सी ठीक है फ्रेगमेंटेशन कहा से आ जाएगा इसमें बताओ चलो इस इसका आंसर दो सब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें आपको बताना है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजाटेटिव प्रोपागेशन ठीक है बताओ इसमें से कौन सा कायिक प्रबंधन का, का एग्जाम्पल नहीं है ऑफसेट क्या हो जाएगा बताओ फ्रेगमेंटेशन इत्यादि सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आंसर दो सब उसका क्वेश्चन पीछे वाला का छाप देना सब कमेंट में क्या हो जाएगा तुम लोग के लिए छोड़े हैं चलो इसका आंसर दो सब बारह नंबर का आंसर दो क्या कह रहा है बारह नंबर क्वेश्चन बारह नंबर के क्या हो जाएगा बारह नंबर के सारे बच्चे आंसर दीजिए फास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ओके यानी इसका हो गया आपका क्या कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रसार का उदाहरण नहीं है क्या हो जाएगा बताओ तो जो भी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं आपका क्या कहिएगा सर इसका आंसर जो सारे बच्चे दे रहे हैं प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन का एकदम हो जाएगा डी फ्रेगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंने बताया है देखिए ये जो होता है ना इसका जो उदाहरण कमेंट कौमें, में छाप देंगे सारे बच्चे जो जो याद किए होंगे पढ़े होंगे थ्योरी कहिएगा सर प्लेनेरिया प्लेनेरिया का नाम सुने है ना इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कल होकर पूछ देगा फ्रेगमेंटेशन का बउवा एग्जाम्पल दीजिए ठीक है ना तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रा प्लेनेरिया जैसे मान लीजिए प्लेनेरिया है इसको आप कितनों भाग में काट दो क्या कितनों भाग में काट दो फिर अपने आप को न्यू ऑर्गनिजम में बुआ बना लेगा एक नया बुआ क्या करेगा एक नया अपने आप को न्यू डेवलप कर लेगा ठीक है? इस के सारे देखने के लिए मिलता है और उसी क्या होता एक है एक फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण है ये चीज के याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बताइए इसमें आपको बताना है बिल्कुल हाँ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर क्या होता है वॉकिंग बिल्कुल फर्न के रूप में जाना जाता है क्या चीज वॉकिंग टहलना समझ रहे हैं ना फर्न के रूप में जाना जाता है इसमें बताइए कौन हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका कमेंट कॉम, छापिए सारे बच्चे किसको जाना जाता है बताइए सारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में नाम सही छापिएगा ना तो ठीक रहेगा अच्छा रहता है ताकि आपको भी उसे रिवाइज हो जाता है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका जो है डी एकदम राइट right आंसर हो जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे बताइए यहाँ ऑफसेट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा यानी क्या कह रहा है आपका चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑप्शेट को डैश के रूप से वर्णित किया जाता है यानी जाना जाता है वर्णित किया जाता है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो भी बच्चे दे रहा है क्या होता है ठीक रनर इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर थीक रनर इज द करेक्ट आंसर आगे आइए यहां पे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है यहां पे क्वेश्चन देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया नॉन मोटाइल देखिए क्वेश्चन जो है

कहिएगा बताइए किससे जाना जाता है तो जो भी बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं स्पोर आर सेवरल फंगी क्या हो जाएगा नॉन मोटाइल स्पोर आर नोन एज क्या हो जाएगा बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर बिल्कुल चलिए सभी बच्चे का आंसर ठीक है यहां पे बताइए क्वेश्चन क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन कट रहा है क्या ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कट रहा है क्या, 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 क्या? बताना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए सोलह नंबर क्वेश्चन बताइए सारे बच्चे सोलह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा द्वारा प्रसार है क्या हो जाएगा तो जो भी बच्चे कंद प्रकंद क्या हो जाएगा कंद प्रकंद ठीक है ना बिल्कुल है, सारे के सारे हैं तो इसका आंसर एकदम जो भी बच्चे मारेंगे डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट right आंसर अब आइए यहाँ पे। यहाँ पे बलबिल का उदाहरण बताइए क्या हो जाएगा बलबिल ठीक है क्या हो जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल यहाँ पे का एक आपका इसका एग्जाम्पल बताना है क्या हो जाएगा कहिएगा सर ये सारे के सारे सारे दिए बायरो क्या दिया? ब्रायोफिल्म दिया हुआ है ठीक है फिर आपका ए नंबर बी नंबर सी नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सत्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सत्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे बच्चे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सही से कहिएगा सर इसको हम छोट कर देते हैं ना दिख रहा है ना बिल्कुल दिख रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा अभी भी आपको ये सी डी ए हो जाएगा इसका आंसर ठीक है ना क्या हो जाएगा ए कहिएगा सर ए हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पे बताइए इसका क्वेश्चन नेम नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट फास्ट फास्ट बताइए ठीक है ऊपर में पूछा गया था बल्ब का उदाहरण ओके okay, नीचे नीचे देखिएगा क्वेश्चन है, है अठारह नंबर क्वेश्चन आंसर, आंसर, आंसर. आंसर क्या हो जाएगा ठीक है ये भी क्या है बोला काय प्रवर्धन प्रोपागेशन से पूछा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका याद रखिएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर स्टार बताइए हाउ डज ए स्टार फिश रिप्रोड्यूस बताइए क्या हो जाएगा किससे करता है इसका बउआ थ्यूरी आप पढ़े होंगे जो हमारे जो जो मछली है वो कैसे आपके क्या करती है रिप्रोडक्शन करती है जो हमारे बताए थे सभी बच्चों को क्या होती है बउआ बोनी मछली मेढक हो गया बोनी मछली हो गई सम एलगी हो गया कुछ जो हमारे एल्गी होते हैं बताए थे बउआ जल में कैसे ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसका बता देना सारे बच्चे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं ठीक है तो कहिएगा सर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ठीक है बॉडिंग दिया हुआ है बाइनरी फ्यूजन दिया हुआ है फ्रेगमेंटेशन दिया हुआ है फिर आपका एक सौ वाला दिया है तो इसका आंसर सारे के सारे बच्चे छाप दीजिए क्या हो जाएगा किसके द्वारा करते हैं इसका छापिए तो कहिएगा सर ये जो है ना हमारे स्टार फिश हमेशा क्या करते हैं आप लोग कॉमेंट एक बार देख लें बिल्कुल तो इसका क्या हो जाएगा स्टार फिश क्या करता है बुआ तो कहिएगा सर जो है बाइनरी फ्यूजन करता है बाइनरी फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन करता है याद रखिए अरे ये नहीं होगा क्या करेगा बाइंद्री फ्यूजन करेगा द्वि विखंडन करेगा बहु विखंडन नहीं करेगा अरे यहाँ पे देखिए यहां पे बताइए हनी बी क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर मेल हनी बी बॉर्न बताइए क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा या फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा बी नंबर या एग हो जाएगा या आपका स्पोर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाइन्द्री फ्यूजन बिल्कुल चलिए यहां पे देखो इसका आंसर बताओ सो फास्ट नंबर क्वेश्चन मेल हनी बी बताना क्या हो जाएगा मेल हनी बी ठीक है हाउ आर मेल हनी फीमेल नहीं पूछा गया मेल इसका आंसर जो भी बच्चे दे रहे हैं क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सभी बच्चे इसका आंसर देंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गैमेट्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर ए मेल और फीमेल गैमेट्स चलिए भी आंसर क्लिक कर दो इस पर आ जाएगा कहां आ रहा है नहीं आ रहा चलो इसका आंसर दो इसका फास्ट आंसर दो बुआ अब आ गया क्वेश्चन आपका इसका क्या हो जाएगा अगर व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन क्या है तो मैंने बता रखा है सभी बच्चों को क्या क्या बताया बता, बता बुआ एक मेल होता है एक फीमेल होता है यहाँ पे एन हो गया दोनों आगे क्या बन गया टू एन बन गया जयगोट होगा ठीक है फिर कहिएगा सर निशेषन होगा निशेषन के पहले क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन होता है फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है बहुत सारे प्रक्रिया है इसमें क्या होता है तो मैंने बताया है इसको आपको कैसे क्लियर करना है यहाँ पे देखिए तो मैंने अभी बता रखा है सभी बच्चों का एक जो आपका क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है एक आपका क्या होता है ए सेक्सुअल इंप्रोडक्शन मैंने बता रखा है इसमें क्या होते हैं इसमें दो पेरेंट होते हैं और इसमें क्या होता है एक पेरेंट होता है तो इसमें कौन हो जाएगा कहिएगा एक तो मेल हो जाएगा और प्लस में कहिएगा सर एक फीमेल हो जाएगा तो बताओ इसमें मेल और फीमेल किस में है कहिएगा फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमिट्स ए इज द करेक्ट आंसर क्या दिया सारे बच्चे इसका आंसर सही दिए हैं क्या दिया सारे बच्चे इसका आंसर करेक्ट दिया है बताइए बिल्कुल करेक्ट दिया है सभी बच्चे का एकदम लाइन लगा हुआ है बुआ हाँ बोथ मेल एंड फीमेल इज द राइट आंसर ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा रहा है ध्यान दीजिए है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दिख रहा है ना थोड़ा सा बहुत छोटा करते हैं देखिए यहां पे क्वेश्चन दो इसका आंसर बताइए वाट इज द फेज वेन दिजम इज ओल्ड एनअ टू रिप्रोड्यूस नोन एज जुबिनाइल फेज वेजिटेटिव फेज बताइए सारे रिप्रोडक्शन फेज इसका आंसर सभी बच्चे आंसर एकदम करेक्ट देंगे बताइए सभी बच्चे देखिए जो बच्चे नए हैं ना बिल्कुल भी वो रेगुलर रही है टाइम दीजिएगा तभी हो गई है होगा ठीक है ना टाइम नहीं दीजिएगा कुछ नहीं होने वाला कभी भी तो टाइम दिया कीजिए समझ गए बिल्कुल चलिए यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे इसका आंसर देंगे क्या हो जाएगा बताना है आपको ठीक है व्हाट इज द फेज वेन दर्गेजम इज ओल्ड इनफ टू रिप्रोड्यूस नोन एज तो क्या हो जाएगा इसका क्या आंसर दीजिएगा देखिए इसका मतलब होता है जुविनाइल फेज का मतलब होता है बुआ क्या हो जाएगा किशोर अवस्था वेजाटेटिव फेज का मतलब होता है आपका कायिक काई, जो अवस्था होता है फिर देखिएगा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाता है कहिएगा सर इसका हो गया आपका जनन अवस्था कुछ ना कुछ बउआ रोज नया सीखा कीजिए तो इसका आंसर जो भी बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं तो जो भी बच्चे हमारे प्यारे इसका आंसर दे रहे हैं कहिएगा सर इसका क्या हो जाएगा कोई ए दे रहा है कोई बी दे रहा है कोई सी दे रहा है कोई डी दे रहा है देखिए यहाँ पे बुआ किसी प्लांट के बारे में पूछा नहीं गया है ओके ठीक है यहाँ पे जो पूछ रहा है ना और कोई जीव है ऑर्गेनिजम है ठीक है ना बिल्कुल उसके बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर जो भी बच्चे हमारे दे रहे हैं डी ही होगा सर दिख नहीं रहा है बुआ बताइए क्वालिटी बढ़ा लो क्या हो जाएगा रिप्रोडक्शन फेज हो जाएगा क्या होगा रिप्रोडक्शन फेज डी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को बुआ हम समझा देते हैं है ना देखिए जब जीव में

दस साल के आसपास में वो क्या करता है कहिएगा सर इसमें क्या करता है इसके अंदर हार्मोन बनता है बहुत सारे चीज यहां पे डेवलप होते हैं उसके बाद कहिएगा जैसे वो बारह तेरह साल के बाद क्या होता है बुआ आपका जुबिनाइल फेज आता है कौन सा फेज आ जा जाएगा जिसको आप बोलिएगा देखिए एक नंबर में हो गया दो नंबर में आता है आपका कौन सा कहिएगा सर किशोर अवस्था तीन नंबर में क्या आता है कहिएगा सर तीन में आता है रिप्रोडक्शन फेज और चार में क्या हो गया बुआ ठीक है चार में जो आपका आता है यानी चार में क्या होता है लोग वृद्ध हो जाता है ठीक है यानी रिप्रोडक्शन जनन करने लायक वो नहीं रहते हैं सारे के सारे आपका जो हार्मोन बनता है ना फिर जैसे आपका जो रिप्रोडक्शन फेज खत्म होने के बाद धीरे 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 जो है आपके अंदर हार्मोन बनना बंद हो जाएगा ठीक है ना और क्या हो जाएगा वही चीज़ आपकी एक मृत्यु की दिशा में ले जाती है लोग क्या होता है बूढ़े होने लगते हैं समझ गए वो सही से हार्मोन सही से हर चीज़ बुआ नहीं बन पाता है समझ रहा है ना तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर कहिएगा सर डी इज द राइट आंसर आइए बिल्कुल समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन देखिए जुबिनाइल फेज रिप्रोडक्शन फेज सारे दिया गया है ठीक है इन विच प्लांट क्या हो जाएगा बुआ यहां पे देखिएगा यहां पे दिया हुआ है ना बिल्कुल हाँ डिफिकल्ट डिफाइन रिप्रोडक्शन देखिए यहां पे सेम दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन सारे बच्चे बिल्कुल पढ़े होंगे और उम्मीद करते हैं इसका आंसर जो है बुआ एकदम सारे बच्चे देंगे काफी आसान क्वेश्चन है काफी आसान का क्वेश्चन है ठीक है काफी आसान क्वेश्चन है वो इसके बताना है किस पौधे की प्रजाति में बताना है आपको पौधे के प्रजाति पूछ रहा है ठीक है ना बिल्कुल कौन कौन सा अवस्था आता है कहिएगा सर किशोर अवस्था प्रजनन अवस्था ठीक है दोनों को परिभाषित करता है दोनों को डिफाइन करता है देखिए जुविनाइल फेज रिप्रोडक्शन फेज कहिएगा सर यहाँ पे मैंने बता रखा है ना वो क्या होता है एक वर्षीय दो वर्षीय याद है ये क्या होता है मासी बारहमासी क्या होता है सीजन है ना सीजन वाला तो दो फेज बताना है सभी बच्चों का क्या हो जाएगा बताइए तो मैंने बता रखा है ध्यान से सुनो मेरी बात को हम क्या कह रहे हैं इसका इसका आंसर सुनो सब ध्यान से इसका आंसर क्या, अंसर क्या जाएगा? यहां हो जाएगा देखिए यहाँ पे होगा जैसे मैंने बताया बुआ जैसे आप धान देखे ना धान धान का खेती होता है धान हो गया गेहूं हो गया ये सारे के सारे ये क्या करते हैं बुआ तीन फेज जो होते हैं तीन चरण को पार कर लेते हैं इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है ना बिल्कुल तो किस में आते हैं तो कहिएगा सर आप जो है आपको छाप दीजिएगा कौन सा हो जाए कहिएगा सर एक वर्षीय दो वर्षीय ये दोनों में कौन सा ये जो हमारे एक वर्षीय है, पौधे हैं दो वर्षीय है पौधे हैं इसमें सारे जो देखिए, एक वर्षीय में धान गेहूं आता है दो वर्ष में क्या आता है जिसमें गन्ना हो गया ओके okay, सब आ गया और ये आपका जो बारह मास आते हैं ना इसमें मात्र दो ही फे जाता है कौन कौन किशोर अवस्था और कहिएगा सर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जनन अवस्था ठीक है और जो हमारे कुछ ऐसे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म हो गए जीव हो गए जंतु हो गए ठीक है, है ना बिल्कुल ये सारे के सारे कुछ ऐसे होते हैं ना जो सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं मैंने वो अपने सीजन में ही अपना रिप्रोडक्शन करेंगे अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे जो बच्चे पढ़े होंगे अप्लीकेशन में उनको पता होगा कि जैसे बउआ क्या हो गया जो आपका पोल्ट्री फार्म होता है क्या होता है पोल्ट्री फार्म होता है उसमें जो भी बउवा हमारे मुर्गी है उसको क्या किया जाता है केमिकल दे दिया जाता है ठीक है ना सुई दे दिया जाएगा इंजेक्शन दे दिया जाएगा तो समय से पहले क्या करता है बुआ देखिएगा वहां पे समय से पहले जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है ठीक है ना बिल्कुल जो नेचुरल खिलाफ बिल्कुल दिक्कत वाली बात है तो यही चीज होता है सीजन में बुआ क्या कर रिप्रोडक्शन करने वाले हैं लेकिन क्या करते हैं कुछ केमिकल इंजेक्शन दे के सीजन से पहले ही क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करा लेते हैं याद रखिएगा तो इसमें मात्र एक क्या हो जाएगा बारह मासी जो है मात्र इसमें दो क्या याद रखिएगा सारे बच्चे क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा बारव मासी बारहमासी मासी में दो ही फेज होते हैं ठीक है कौन सा किशोर अवस्था और जनन अवस्था और ये जो होते दो होते हैं एक वर्षीय दो वर्षीय इसमें तीनों अवस्था पाए जाएंगे ठीक है बिल्कुल उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा इसको आगे बताइए आगे क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन इक्कीस नंबर आ चुका है ठीक है बताइए इसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिएगा विच टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर ऑन क्या हो जाएगा ओनली ऑन मैंने बताइए कौन ऐसा पौधा है जो अपने जीवन में एक बार ही फ्लावरिंग करता है या फूल देता है आपके सामने पड़ा हुआ है बताइए कौन सा पौधा हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर मोनोकार्पिक इज द राइट आंसर ठीक है मैंने बता ही देता हूं देखो अगर बात किया जाए अगर जो हमारे नीला कुरंजी होता है क्या होता है बुआ जो नीला कुरंजी होता है बारह साल में एक बार फ्लावरिंग करता है यही क्वेश्चन पूछा गया था बीएसी नर्सिंग 2023 के एग्जाम में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है उसके बाद कहिएगा सर जो हमारे बम्बू होते हैं ठीक है वो पचास से सौ साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं ओके याद होगा सभी बच्चों को बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं मोनोकार्पिक इज द राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा तो यहां से तीन चार क्वेश्चन बता दिए पे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन बताना बताना है आपको, plants, flowers, बताना है आपको आपको टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स वही क्या हो जाएगा इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा किस प्रकार के पौधा बार बार फूल देंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार का जो पौधा है प्लांट है वो बार बार क्या करते हैं बुआ रिपीट करके क्या करते हैं फूल देते हैं बताइए क्या हो जाएगा तो जो एक बार देते हैं ना मोनोकार्पिक जो बार बार देते हैं क्या हो जाएगा यहां सर पॉलीकार्पिक हो जाएगा क्या हो जाएगा तो याद रखो, एक बार, करेगा. सर, हमारा बार बार करेगा क्या करेगा बार बार फ्लावरिंग करेगा ओके बिल्कुल याद रखिएगा आगे देखिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी पूछा गया था ना कि जो हमारे आपका जो रिप्रोडक्शन करते हैं दो कौन सा कहिएगा सर एक तो आपका होता है आपका रिप्रोडक्शन फेज. फेज और आपका कही जुबिनाइल फेज यानी जो हमारा किशोर अवस्था होता है और जो प्रजनन अवस्था है तो कौन करता है बारह मासी वाले जितने भी पौधे हैं वो दो फेज करते हैं ठीक है गन्ना जैसे मैंने बताया है ये आपका दो वर्षीय है ओके और कही गहूं या धान हो गया क्या होते हैं ये हो okay. एक वर्षीय हो गए ओके इस चीज को सारे बच्चे जानते होंगे तो यहाँ पे बताना है एक क्या हो जाएगा, फिर, हो जाएगा, फिर सी नंबर हो जाएगा यही दिया हुआ है, फिर जुबिनाइल फिर फिर दे, दे दिया हुआ है फिर फिर सारे चीज दिए हुए तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा जीवन चक्र में तीन चरण क्या होता है अगर मान लीजिए कोई प्लांट ऑर्गेनिज्म कोई पौधा है उसके पूरे लाइफ साइकिल में तीन चरण कौन कौन पार करेगा इसका आंसर दीजिए क्या होगा आपको बताना है ठीक है क्रम जानते होंगे बिल्कुल तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा सबसे पहले कौन सा आता है सबसे पहले रिप्रोडक्शन फैल जाता है या जुबिनाइल फैल जाता है या बुआ बुढ़ापा आता है बताइए सबका आंसर क्या हो जाएगा नहीं गलती आप लोग आंसर दे रहे हैं बुआ क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल 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 डी हो जाएगा देखो सबसे पहले कोई भी है उसके अंदर आएगा। कहिएगा सर, बिल्कुल। जिसको हिंदी में कहा जाता है सॉरी, जो, भी जो है जनन अवस्था उसके बाद इसको क्या कहा जाता है कहिएगा सर बुढ़ापा और इसके बाद क्या होता है सर इसके बाद ठीक है खत्म याद रखिएगा तो डी इज द राइट आंसर बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर सही है अब यहां पे बताइए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है यहां पे आपको बताना है द नेम ऑफ सिक्वेंस इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इन कहिएगा सर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया है बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इसका आंसर एकदम करेक्ट देंगे उम्मीद करते हैं बुआ इसका आंसर सभी बच्चे कर हाँ बहुत बढ़िया है डी हो जाएगा ना सबसे पहले आपके किशोर अवस्था आएगा ना डायरेक्ट आप बुढ़ापा थोड़ा आएगा आपके अंदर आपके अंदर डायरेक्ट बुआ बुढ़ापा नहीं आएगा आपको सबसे पहले किशोर अवस्था आता है जिसको जुबिनाइल फेज कहा जाएगा उसके बाद जनन अवस्था आता है जिसको आप आपका रिप्रोडक्शन फेज कहेंगे उसके बाद कौन सा आता है कहिएगा सर जो वही आपका जो बुढ़ापा उसके बाद देता कहानी खत्म आपके देह में बुआ क्या होगा आपका जो बॉडी है शरीर है उसमें कोई हार्मोन नहीं बनेगा तो आदमी कहाँ जाएगा मृत्यु के द्वार बिल्कुल इसका बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन छाप दीजिए सारे बच्चे फास्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल 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 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा फास्ट कमेंट छापिए देखिए मैंने बताया है सबसे पहले आप एक चीज वो थ्योरी में भी पढ़े होंगे सबसे पहले आता है क्या फर्टिलाइजेशन ठीक है फर्टिलाइजेशन के पहले क्या आता है देखिए पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होगा गलत यह भी नहीं होगा गलत यह भी नहीं होगा गलत इसको हटा दीजिए कही सर प्री फर्टिलाइजेशन सही है इसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन सही है इसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन भी सही है कहिएगा सर इसमें फर्टिलाइजेशन बहुत बढ़िया बात है ये भी सही है लेकिन इसमें पोस्ट नहीं आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन लास्ट में आता है तो ये भी गलत हो गया ओके अब यहाँ पे क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की तो बातें नहीं बुआ फर्टिलाइजेशन लास्ट में आता नहीं है अब यहाँ पे समझिए क्या सबसे पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है निषेचन हिंदी में ओके okay. उसके बाद पहले क्या होता है कहिएगा सर प्री फर्टिलाइजेशन क्या आता है प्री फर्टिलाइजेशन उसके बाद क्या आता है कहिएगा सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन याद होगा सभी बच्चों को बड़ा बड़ा थ्योरी पे बताया थे बुआ याद है ना सभी बच्चों को बिल्कुल एकदम अब यहां पर देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है कमेंट में छापो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है बुआ आप लोग कमेंट में छापिए फास्ट प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन निशेचन के पहले क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन फिर फर्टिलाइजेशन फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसके बाद बताना है आपका प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है में दीजिए फास्ट फास्ट सारे बच्चे ठीक है प्री फर्टिलाइजेशन में आंसर दीजिए सभी बच्चों को क्या हो जाएगा बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है बीज दो करेक्ट आंसर देखिए तो मैंने बता दिया प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है गेमीटोजेनेसिस क्या होता है जिसको हिंदी में क्या कहिएगा युग्मक जनन में क्या होता युग क्या हो जाएगा? युग जनन। है हो मतलब युग्मक ठीक मतलब है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करना या आपको ट्रांसफर करना तो गेमिट का ट्रांसफर में होता है प्री फर्टिलाइजेशन में गेमिटोजेनेसिस युग्मक जनन कहा होता है कहिएगा प्री फर्टिलाइजेशन में बिल्कुल एकदम हो जाएगा एकदम क्या हो जाएगा बिल्कुल अरे जायोट कहाँ से ला रहा है सब उठा के हाँ, बहुत बढ़िया इंसोनेंट गेमिट गेमिट हाँ, हाँ, याद नहीं है बताइए नाम डुबा दीजिएगा आप लोग चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर नहीं पढ़ रहे बुआ सही से से अगर थ्योरी पढ़िए एक बार बढ़िया से पढ़ा दिया गया जो पे बताइए कह रहा है फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द थ्री फेज इन द लाइफ साइकिल बताओ ब्लड हार्मोन्स ठीक है फिर आपका जो श्वसन पथ होता है फिर नर्वस सिस्टम होता है इन एनिमल्स इसका आंसर बताओ सब बिल्कुल कौन का आंसर दिया है ब्यूटी जेनेसिस गेम टू ट्रांसफर नवोदय विद्यालय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बुआ चलो इसका आंसर दो इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे ठीक है पूर्व निषेचन 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 के बाद इसका बताइए जीवन चक्र में तीन चरण में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है क्या होता है जीवन तो जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं फास्ट है, कमेंट में ठीक है पूरे कंप्लीट कर देना है तो कहिएगा से इसका जो भी बच्चे दे रहे हैं क्या हो जाएगा हारमोन क्या हो जाएगा हारमोन इज द राइट आंसर चलिए क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा यहां पे अब आ जाइए अब यहाँ पे क्या कह रहा है यहां पे बताना है व्हाट आर द टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताइए क्या होता है गेमिट 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 बिल्कुल। अभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बताइए अब निषेचन पूर्व के दो घटनाएं क्या क्या होती है अभी क्वेश्चन पूछे हैं वो अभी हम बताएं इसको सभी बच्चों को सारे बच्चों को इसको अभी बताया है बताइए क्या हो जाएगा अभी एकदम आपका बुआ दिमाग में घूम रहा होगा सारे बच्चे इसका आंसर देंगे क्या हो जाएगा बताइए आर द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मैंने अभी बताया है याद है कि नहीं बताइए ये क्या होता है कहिएगा सर फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हिंदी में निशेषन कहा जाता है इसके ऊपर मैंने क्या बताया कहिएगा सर ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन बताया है ना अभी दो मिनट पहले इसके बाद क्या होता है कहिएगा सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन ने बताया है अब इसमें पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन में दो कौन कौन सा होता है एक और दो जिसका नाम दिया हुआ है और इसका आंसर सभी बच्चों को छाप देना बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रांसफर का, का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना गेमिटोजिस यानी युग्मक जनन ओके जो भी बच्चे याद जो रखे किए होंगे करेक्ट आंसर एकदम आंख बंद करके नहीं सामने देख के आंसर दिया कीजिए समझ गए बताओ यहाँ पे क्या कहा जाता है क्या हो जाएगा जो मेल गेमिट होता है उसको क्या कहा जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हाँ सभी बच्चे का सही है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है क्या क्या होता है कही अगर सर एक तो होता है फीमेल गेमिट्स होता है एक होता है मेल गेमिट्स होता है बिल्कुल सभी बच्चे जानते हैं तो इसमें पूछा गया नर जो युगमक होता है उसको क्या कहा जाता है बताओ इसका आंसर छापो क्या हो जाएगा इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे फास्ट तो इसका आंसर जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं क्या कहिएगा है सर इसका आंसर जो भी बच्चे ए दे रहे हैं ना बिल्कुल क्या हो जाएगा चलो आगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सब बताइए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द द मेल मेल ऑर्गन्स ऑर्गन्स इज सॉरी व्हाट आर इन ए फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड बताइए क्या कहा जाता है बिल्कुल इसका बताइए क्या हो जाएगा फूल वाले पौधे में जो नर अंग को क्या कहा जाता है जो फूल होता है ना जो फूल वाला पौधा होता है अरे जो पौधा फूल देता है ऐसे समझ लीजिए ओके उसमें जो नर होते हैं ना नर कहने का मतलब क्या हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में मेल मादा क्या हो जाएगा हिंदी में ठीक है हिंदी में मादा और ऐसे हो जाएगा फीमेल तो बिल्कुल क्या कहा जाता है बताइए तो जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका क्या दे रहे हैं पुनकेसर क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा ना हाँ इसको कहा जाता है पुनकेसर तो याद रखिएगा जो भी हमारे बुआ जो मेल जो होते हैं नर जो होते हैं ठीक है जो फ्लावरिंग करते हैं जो फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है उसको क्या कहता है हिंदी में कहिएगा पुंगसर क्या हो जाएगा और इंग्लिश में आपका ये हो जाएगा चलिए यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है ये जो है दोनों का आपका एग्जाम्पल बताइए गए कौनों क्या हो जाएगा दोनों के दोनों क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर है दोनों बताइए ठीक है खीरा और नारियल क्या लिखा हुआ है ये आपका खीरा का है और ये आपका कोकन क्या हो जाएगा नारियल का एग्जाम्पल बताइए इसका क्या हो जाएगा ठीक है क्या होते हैं नाम सुने बुआ एक लिंगी दी लिंगी नाम सुने हैं कि नहीं बताइए बाई सेक्सुअल ठीक है ना ए सेक्सुअल ठीक है नाम सुने होंगे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो जो भी बच्चे दिए होंगे खीरा और नारियल क्या होता है कहिएगा सर ये आपका हो जाएगा एक लिंगी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल एक लिंगी होते हैं ठीक है खीरा और नारियल देखिए अब यहां पर समझिए मैंने बताया था सभी बच्चों को कुछ ऐसे जीव होते हैं ध्यान से देखो जो क्या करते हैं बौवा उनका नर जो आपके जनन क्या होते हैं जो नर जनन है और मादा जनन है एक ही में होते हैं समझ गए और कुछ में क्या होते हैं बौवा एक ही जनन अंग होते हैं कुछ में दो एक ही जीव में दो मिलेंगे देखने के लिए और कुछ ही जीव में क्या होते हैं एक ही आपको मिलेंगे देखने के लिए ठीक है ना तो आपको बिल्कुल याद होगा सभी बच्चों को वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था आइए क्वेश्चन बताइए यूनिसेक्सुअल बाइसे बिल्कुल सभी बच्चों को याद होगा अब बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर बताइए सारे बच्चे हां, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना इक, बताना इसमें से निम्नलिखित में से कौन साक्सुअल एक लिंगी जीव है क्या हो जाएगा जो आपका ऑर्गेनिज्म है देखिए यहाँ पे सेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी और निजम का मतलब होता है जीव ओके सभी बच्चों को पता है तो इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा बुआ दीजिए सारे बच्चे 33 नंबर क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं बुआ सारे बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल क्या हो जाएगा बताइए कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई सेक्सुअल बिल्कुल स्पेसिस जो भी बच्चे आंसर दिए हैं कॉकरोच क्या होता है क्या हो जाएगा कहिएगा सर यूनिसेक्सुअल है ठीक है क्या हो जाएगा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज़म है कौन सा कॉकरोच बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का बहुत बढ़िया चलिए और क्वेश्चन करा दे एक बार कमेंट कीजिए सारे बच्चे बताइए और क्वेश्चन करा दे चलिए क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए चलिए दो चार और क्वेश्चन कर लीजिए अच्छा इसको चालीस कर देते हैं ना चालीस पांच छह क्वेश्चन और कलेक्ट कर लीजिए बस पांच छो के चलिए इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे जो हमारे युग्मक होते हैं गेमिट होता है इन ऑल स्पेसिज आर ऑफ टू टाइप्स इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा गेमिट्स इन ऑल स्पेसिज आर ऑफ टू टाइप्स कल कल लंच होगा बुआ कल चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा बताओ सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे जो हमारे युग्मक होते हैं सभी प्रजातियों में युग्मक दो प्रकार के होते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल तो इसका आंसर क्या दिए सभी बच्चे इसका आंसर दिए हैं जो भी बच्चे हमारे एकदम करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं बुआ क्या हो जाएगा विषम युग्मक कोई ए दे रहा है कोई बी दे, को दे रहा है कैसे होगा बताओ सब ए हो जाएगा ना विषम ओके यहां पर देखो सब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बिल्कुल हाँ ठीक है ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए जो हमारे द्विगुणित जीव होते हैं नाम सुने होंगे हेप्लोइड डिप्लोइड, नाम सुने हैं कहिएगा यस सर जरूर सुने होंगे जो हमारे क्या होते हैं बुआ यहाँ पे मैंने बता रखा है डिप्लोइड दिया हुआ है ना अच्छा कमेंट में छाप दीजिएगा एग एंड स्पर्म क्या होता है छाप छापुआ डिप्लोइड होता है हेप्लोइड होता है उसके बाद एक और छाप लेना जो ह्यूमन बॉडी होता है जो मानव का शरीर होता है होता है या डिप्लोइड होता है मेल में एक को छोड़ के, फीमेल में स्पर्म को छोड़ के ठीक है तो इसका आंसर क्या दिया है सभी बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए इसका 35 का आंसर जो भी बच्चे हमारे दे रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा बहुत बढ़िया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाए इसका जो क्वेश्चन नंबर वन छाप दो एक एंड स्पर्म डिप्लॉयड डिप्लॉइड क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है और जो हमारे ह्यूमन बॉडी क्या होते हैं वो हम स्पर्म और आपके क्या होता है आपका एक को छोड़ के बिल्कुल हैप्लोइड डिप्लोइड एकदम बच्चे सब लाइन लगा दिए बहुत अच्छी बात है चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना सा हां बहुत बढ़िया सभी बच्चे का एकदम करेक्ट आंसर है नेक्स्ट बताइए पौधे के कौन सा संरचना स्ट्रक्चर नर अंग धारण करती है क्या हो जाएगा व्हिच स्ट्रक्चर इन द प्लांट कैरियर द मेल ऑर्गन क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ बिल्कुल सही है पौधे के कौन से स्ट्रक्चर नर अंग धारण करती है क्या हो जाएगा जो भी बच्चों दिए होंगे एकदम क्या हो जाएगा पराग कन कहा जाता है और पौधे में काफी क्वेश्चन पराग कन से ठीक है तो इसका थ्यू जो भी बच्चे पढ़ेंगे बिल्कुल जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा पराग कन इज द राइट आंसर अब यहा, यहाँ यहाँ पर देखना है फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एमसीक्यू एंड द आंसर ओके तो बताइए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कही सर जूम कर दीजिए जूम कर देते हैं देखो क्वेश्चन हुआ ये नहीं है ये जो है ना फर्टिलाइजेशन ही नहीं है क्वेश्चन यहां पे है कहां पे है क्वेश्चन यहाँ पे है बताइए सैतीस नंबर क्या हो जाएगा सैतीस नंबर शिनगैमी क्या है बताइएगा इसे क्या हो जाएगा ठीक है हाँ बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा सारे बच्चे तो जो भी बच्चे बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं इसका सी में सारे बच्चे लगे हुए हैं और सी ही सही होता है फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है निषेचन होता है क्या होता है फर्टिलाइजेशन और निषेचन होता है बहुत बढ़िया आइए चलिए आप लोग जब तक रहिएगा लाइव तब तक हम क्लास कराएंगे घबराने की जरूरत नहीं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी चीज है कि क्वेश्चन मान लीजिए आप एग्जाम देने जाइएगा बायोलॉजी हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो क्वेश्चन दे रहेंगे इंग्लिश में एक्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना तो उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा बताइए हिंदी में नोट्स बनाइएगा तो होगा नहीं होगा बुआ ठीक है ना चलिए यहां पर देखिए तो क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने जो क्या हो जाएगा हमारा कहिएगा सर जो हमारे लैंगिक जनन है ठीक है उसमें बताना है इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो जाएगा पहले तो वो वह बी एस सी नर्सिंग में सारे बच्चे हिंदी में ही पढ़ रहे थे जब तक जब से वो हम यूट्यूब पे आके बार बार कहने लगे हिंदी में जो है इंग्लिश में नोट्स बनाइए बिल्कुल ठीक है तो सब सारे सारे बच्चे के सारे एक बार जाके उसको एकदम जो है ये चीज को क्लियर हुआ ठीक है ना बिल्कुल इसका बताइए क्या हो जाएगा लैंगिक प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कहिएगा सर ये जो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गेमिट होता है क्या हो जाएगा कही सर फीजन ऑफ गेमिट क्या हो जाएगा फीजन ऑफ गेमिट ठीक है युग्मक का संलन होता है क्या होता है बुआ कहिएगा सर युग्मक का होता होता है है क्या हो जाएगा बताओ सर फास्ट युग्मक का बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गेमिट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो रहने दीजिए सारे बच्चे काफी क्वेश्चन करा दिए लगभग अड़तीस चालीस क्वेश्चन करा दिए चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए जो भी बच्चे नए हैं कल बुआ न्यू बैच आएगा एक आपका खास करके दोनों मीडियम के लिए आएगा हिंदी और इंग्लिश के लिए जो भी बच्चे नए इंतजार कर रहे हैं कल जो है बुआ अपना क्या करें बैच ले और अपना पढ़ाई स्टार्ट करें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को